देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान के बारे में, ठीक है ना। तो भारत के संविधान के बारे में तो है, लेकिन इसमें जो है इसके प्रमुख भाग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि आप जानते हैं कि कोई भी आपका जो है बुक होता है तो उस बुक में पार्ट होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हिंदी में कहें तो भाग एक, भाग दो और क्या, भाग तीन। उसी तरह प्रकार से जैसे कि अगर हम कोई बुक खरीदते हैं, विज्ञान किताब मैंने खरीदा, तो उसमें लिखा होगा भाग एक में क्या लिखा है, तो भाग एक में आपका जो है जीव विज्ञान है, भाग टू में क्या लिखा है तो आपका भौतिक विज्ञान है, भाग तीन में क्या लिखा है तो हमारा रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री है। ठीक उसी प्रकार से अगर भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो इसमें जो है 22 भाग क्या है वर्णित किया गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसमें कुल जो है 25 क्या है भाग है। लेकिन अब हम यहाँ पर समझेंगे किस भाग में किसके बारे में चर्चा किया गया, डिस्कस किया गया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो भाग एक में इसमें जो है संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया। हम आगे जो है संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अगर भारत के नागरिकता के बारे में संबंधित अगर अध्ययन करना हो कि संविधान ने नागरिकता के बारे में क्या आपका उल्लेख किया है तो इसकी डिस्कस जो है भाग दो में क्या है, चर्चा किया गया है। अगर भाग तीन की बात कर ले तो इसमें हमारा जो है मौलिक अधिकार के बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है। अगर हम लोग भाग चार की बात करें यानी चार के बारे में, तो चार के में राज के नीति निदेशक तत्वों के बारे में क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। और भाग चार के ए में बात करें तो मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। लेकिन फिर से बात कर लेते हैं, दो चीज है, एक है आपका जो है मौलिक अधिकार और दूसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य। देखिएगा, मौलिक अधिकार एक अलग चीज है और मौलिक कर्तव्य क्या है, एक अलग चीज है। तो मौलिक अधिकार आपको भाग तीन में दिया है, जबकि मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग चार ई का है लिखा हुआ है। और भारत के संघ के बारे में बात करें तो इसको इसके बारे में आपको भाग पांच में क्या किया गया है, बताया गया है। अगर हम लोग राज के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, इसके भाग छह में डिस्कस किया गया है। अगर हम लोग निरसित के बारे में बात कर सकते हैं तो इसमें सात में दे रखा है। और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं तो भाग आठ में क्या है, दे रखा है। इसे इसमें 22 भाग दे रखा है। अब 22 भागों में अलग अलग बातों का किया गया उल्लेख किया गया है। यहाँ पर कुछ इससे संबंधित कुछ हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने भाग को विभाजित किया गया है, यानी भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तभी मैंने बताया था भारत के संविधान को 22 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। लेकिन वर्तमान में इसमें कुल कितना है, 25 भाग क्या हो गए हैं, हो चुके हैं। ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस हो गया। देखिएगा इसमें मैचिंग क्वेश्चन है, सॉरी इसमें दिया है कि कौन सा युग में जो है सही क्या है, नहीं है, और बाकी सब क्या है, गलत है। सॉरी कौन सा इसमें जो है युग में क्या है, सही नहीं है, बाकी तो सही है, लेकिन एक इसमें हमें गलती पकड़ना है। तो देखिएगा हम अभी डिस्कस किए थे कि जो नागरिकता के बारे में है, उस संविधान के भाग दो में क्या है, लिखी हुई है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तो भाग तीन में क्या है, लिखी हुई है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है संविधान का भाग तीन में लिखी हुई है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये आपके छे के ए में नहीं, चार के ए सेक्शन में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ, मतलब इस सेक्शन सी हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। वही बात यहां लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग चार के ए के अंतर्गत का किया गया है, लिया गया है। मतलब कि हमारा सी वाला सेक्शन क्या है, सॉरी सी वाला क्या पॉइंट क्या है, गलत है, बाकी ए बी और डी हमारा क्या है, बिल्कुल जो है सही है। ओके, अगला हमारे इसमें क्वेश्चन एक और है, लिया है कि हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की आपका जो है परिकल्पना की गई है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि लिखा हुआ है कि हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में